लो जी, सबको सत श्री अकाल। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन बोला है, अभी घरों से आप ना निकले, ये सभी हमारे भले के लिए ही है। और ये आज पहली रात है, शायद सभी लोगों का कल पहला दिन होगा हिंदुस्तानियों का। अब एक चीज़ आप देखिए कि भी सारा वर्ल्ड जो इस चीज़ से जूझ रहा है, कहीं ये हमारी गलतियां तो नहीं है कि जो हम चाइना में आपने देखा होगा कैसे पशु पक्षियों का वो गलत तरीके से उनको क्या उनके साथ बर्ताव करते हैं, और कहीं ये उनकी तरफ से तो नहीं है कि भाई जो हम उसका अभिशाप जो हमको लग रहा है। कहीं भी हम आप देखिएगा कि बाजार में कोई कुत्ते देखिए, इतने हमारे कई कारों के नीचे कुचले जाते हैं, इसके लिए भी कुछ नहीं हो रहा। और कभी आपने कुकड़ियाँ देखी होंगी कि उनको लातों से वो मोटरसाइकिल पे उल्टा टांग के और ले जा रहे होते हैं, और छोटे छोटे। अब आपको भी देखिए इसका एहसास होगा, यदि आप अभी आप अपने घर में हो, उनका भी एहसास करिए जो जिन्होंने देश आज़ाद कराया हमारा, और वो उनको काले पानियों की सजाएं जो मिली, और कैसे वो कोठरियों में रहते थे हम, और उनका भी हमको एहसास होगा आने वाले वक्त में। और कैसे छोटे छोटे पिंजरों में इतनी इतनी कुकड़ियाँ जो मुर्गे डाल देते हैं, हम उनको देखते हैं, उन छोटे छोटे पिंजरों में इतने पक्षी, छोटी छोटी चिड़ियाँ डली होती हैं, हम उनको देखते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि हम आदमी हैं, हम मानव हैं, हम करने को कर भी सकते हैं यदि हम अपना सोचें तो। अपने बारे में ना सोचें, उनके बारे में भी सोचें जो इसका जुर्म जो इतना जुर्म भोग रहे होते हैं, और उन देशवासियों के उन शहीदों के बारे में भी सोचें जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, काले पानी कोठरियों में जाके उन्हें सजाए भुगती, और हम उसी देश में आज मज़े से रह रहे हैं। पर कुदरत का प्रकोप भी उसके बाद देखिए कि जो जो हमारे पर आया है, ये हमको एक सिक्ख्या देने के लिए आया है, और हम इससे सीखेंगे, और आने वाले वक्त में ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है। आप सभी यदि ये मन से सोचेंगे कि भाई हमने जो है वो इस चीज़ के बारे में सोचना है कि, और उसके बाद फिर हो सकता है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और इसकी कोई ना कोई दवाई जो सारा वर्ल्ड लगा हुआ है, जितनी देर सारा वर्ल्ड इसमें तोबा नहीं करेगा, पशु पक्षियों पे जुर्म को रोकेगा नहीं। ठीक है, जो भी आप चीज़ समझते हो करिए, पर जो गलत तरीके का जुर्म है जो हम पशु पक्षियों के साथ कर रहे हैं, उसको इस तरह से रोकना पड़ेगा। जैसे मैंने आप पहले भी बता चुका हूँ, कई बार आपने भी देखा होगा भाई, बेजुबानों ने हमको एक शराब दिया है जो सारे वर्ल्ड को जो लगा है। हम तो इसके बारे में हमको सोच के और अपने मन के अंदर से एक निश्चय बनाना होगा, शायद इसीलिए हमको ये सभी कुछ हो रहा है। तो बाकी बड़ी जल्दी इसकी दवाई भी मेरे हिसाब से निकल आएगी, यदि जब हम थोड़ी सी भी तौबा अंदर अपने कर लेंगे, तो किसी को मत सताइए बिना बात के, तो मेरा ख्याल है कि ये सभी ठीक हो जाएगा। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो आपकी मेहरबानी है, नहीं भी लगी, कोई गलत निकल गया हो तो क्षमा करिएगा, और भगवान से हम भी दुआ करते हैं, आप भी करिएगा कि ये जो विपदा सारे वर्ल्ड पे पड़ी है, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, और भगवान हमको भी मत बख्शे भाई, हम भी अपना जीवन आगे बढ़िया हमारा चलता रहे ऐसे ही। और सबकी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया।